फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि एटोट्रॉफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए उन प्रकारों के जो वो प्रकार हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो टाइप है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा जो है प्रकार उसका जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, और जो तीसरा उसका प्रकार है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो चलिए अब इन सभी न्यूट्रिशन के बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक। और जो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग प्लांट्स, ठीक, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। ठीक, अपना न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं उस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन जो है वे उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा पाया जाता है जो सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, जैसे कि फंजाई, मशरूम एंड ईस्ट। फंजाई, मशरूम और ईस्ट, ठीक, ये जो है ये प्रोसेस जो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। वे मतलब कि पूरे कहने का इसका मीन्स ये है कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे मृत डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो दूसरा टॉपिक है, जो इसका जो दूसरा टाइप है उसके बारे में जानते हैं। इसका दूसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब परजीवी पोषण, परजीवी के ऊपर जो आश्रित रहते हैं जीव उसे हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के ऊपर स्थिर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के द्वारा उन ऑर्गेनिज्म को भोजन प्रदान किया जाता है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। जैसे इसे ऐसे देखा जा सकता है, दोस ऑर्गेनिज्म हु डिराइव्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट। मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी जीवित जीवधारी के शरीर से प्राप्त करते हैं और वो भी उनको बिना किल किए बिना मारे उन्हें हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिनसे वे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हें हम होस्ट करते हैं। ठीक, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट में है, ये देखिए इतना जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि ये याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में तैयार कर सकते हैं। दी बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। जो ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो जीवित जीवधारी होते हैं उनके शरीर पे आश्रित रहते हैं कि जब उनके शरीर में वे जाते हैं तो उनके अंदर जो वे जीवित जीवधारी भोजन प्राप्त करते हैं उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है वे उस एनर्जी को अवशोषित करते हैं। तो चलिए अब ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट प्लाज्मोडियम, और सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है वो राउंड वार्म। और जो प्लाज्मोडियम होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। ठीक, और यह जो है जीव जीवधारियों की शरीर के अंदर पाया जाता है, यह उनकी सारी एनर्जी को अवशोषित करता है जिससे कि जो जीवधारी होता है उसे बुखार होता है, दर्द होता है इत्यादि चीजें उसे सिम्टम्स के रूप में दिखाई देती हैं। राउंड वर्म एक ऐसी बीमारी है, राउंड वर्म जो एक ऐसा कीड़ा है या एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी जीवित जीवधारी के शरीर पर आश्रित होता है और उनके जो किसी हथेली पर, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी की हथेली है उससे ऐसे जो है एक गोले सा बन जाता है, उसमें ऐसे रहता है। ठीक, रिंग रिंग टाइप बन जाती है। ठीक, ये
या तो जानवरों को हो सकता है, किसी भी जानवर को के ऊपर हो सकते हैं या फिर किसी भी मनुष्य के ऊपर हो सकते हैं। इनके कारण जो रोग होता है उसे रिंग वॉर्म कहते हैं। और इस जो और जो ये कीड़ा है उसका नाम है राउंड वॉर्म। चलिए अब हम जान लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का थर्ड टॉपिक है। ठीक, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स टू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक, वे जंतु जो अपना भोजन, ठीक, वे जंतु वे जीवधारी जो अपना भोजन किसी जटिल ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करते हैं, जटिल प्रकार के पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कि टू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन की क्रिया के द्वारा अपना वे भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में एनर्जी मिलती है उन्हें। ठीक, तो ये जो होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं जैसे प्लांट्स के फूड हो गए, एनिमल्स फूड हो गए, ठीक, ये जो सभी जो है वो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो उदाहरण है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनका उदाहरण क्या है, जिराफ हो गया, ठीक, जिराफ, लायन, टाइगर। ठीक, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, और ये जो है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप वो रखिए, देखिए ये एकदम जरूरी है कि ये एकदम आ जाएगा आप एग्जाम्स में। ठीक, एक बार और मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रकार। ठीक, अब जो इसका प्रकार है, टाइप है, वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जो है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं चलिए उसे हम जान लेते हैं। फर्स्ट हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड जो हो गया वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। चलिए अब हम इसके फर्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं जिसका नाम है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट, तो इसके अंतर्गत क्या होता है वो सभी क्रियाएं हम अब जान लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन, तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सड़ी गले पदार्थों से या सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर उग कर या उसके ऊपर रह कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें पोषण प्राप्त होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे में फंजाई हो गया, मशरूम हो गया और ईस्ट हो गया। अब चलिए हम जान लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। ठीक, पैरासाइट का मतलब हो गया परजीवी। परजीवी से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर आश्रित रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो भोजन जो पोषण वे उस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वे आश्रित रहते हैं और अपना भोजन लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। चलिए इसका जो टाइप है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म। प्लाज्मोडियम के द्वारा एक मलेरिया नामक रोग होता है जिसमें आपको सिर दर्द और बुखार होता है। चलिए अब हम तीसरा जो टॉपिक है उसे हम देख लेते हैं जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स टू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। इंगेशन की प्रक्रिया के द्वारा जब कोई ऑर्गेनिज्म जटिल पदार्थों को, जटिल ऑर्गेनिक पदार्थों को अपने
भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को जो जो उस जो चलिए हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स टू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। मतलब कि जब इंगेशन की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीवित जीवधारी अपना भोजन की अपना ऑर्गेनिक जटिल ऑर्गेनिक मटेरियल्स फूड्स को अपने अंदर ग्रहण करता है तो जो उसे उस पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है उसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं वे उसे कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रहण करते हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला हो गया जिराफ, लायन, टाइगर, इटीसी। ठीक, तो चलिए हम जो हमारा जो अगला टॉपिक है उसे अब हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है तो जो अगला टॉपिक है उसका वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण होता कैसे है इसे हम देख लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब प्लांट्स को अपनी अन्य क्रियाओं को करने के लिए उसे भी सब एनर्जी की सप्लाई चाहिए, मतलब उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे वो अपनी अन्य क्रियाओं को कर सके। तो इसका जो टॉपिक है फर्स्ट वो है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। चलिए देख लेते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि वह क्रिया जिसके अंतर्गत प्लांट्स अपना भोजन स्वयं स्वतः बनाते हैं और किसी उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लिया जाता है 6CO2 प्लस H2O मतलब कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, वाटर ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस सनलाइट। जब 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल H2O यानी जल और सनलाइट की आपस में क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराते हैं तो हमें 6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को की क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराते हैं तो वो भी क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज मिलता है ठीक और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा मतलब जो अधिक ग्लूकोज होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वह जो भोजन होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस भोजन को हम स्टार्च कहते हैं। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीफ ऑफ द प्लांट्स। जो स्टार्च होते हैं वे जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उसमें स्टोर रहते हैं जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस फिगर के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है कि ये क्रिया कैसे होती है। ये कोई प्लांट्स है ठीक,
मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो और इस और इसी को एक पत्ती है, ठीक। जब किसी प्लांट की लीफ जो है सनलाइट को अवशोषित करती है और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब उसकी क्रिया कराती है तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक, और ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये कोई प्लांट है, इसकी जो स्टेम्स है वो कहाँ पे है, तो ये इसकी जो स्टेम्स है वो सॉयल में है, सॉयल में पानी है, पानी डाला गया है, तो पानी प्लस H2O यानी जल, इसमें जो है वाटर है, वाटर की उपस्थिति है, ठीक, वाटर की उपस्थिति है, यहाँ पर वाटर की उपस्थिति है, और यह जो है सनलाइट को लेता है और CO2 को वातावरण से ग्रहण करके और इन दोनों इन तीनों माध्यमों के साथ जब क्रिया कराता है तो हमें जो जो क्रिया उसमें होती है तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।